बद्रीनाथ धाम के कपाट खोल दिए गए। 7:10 जैसे समय 7:10 हुआ बद्रीनाथ धाम के कपाट खोल दिए गए और कपाट खुलते वक्त की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। दरअसल बर्फबारी हो रही थी और बर्फबारी के बीच में ये कपाट खोले गए हैं। वहां पर ITBP के जवान, वहां पर गढ़वाल स्काउट्स का बैंड और इन दोनों के बीच में कुछ इस तरह से बद्रीनाथ धाम के कपाट खुले। तो बद्रीनाथ धाम के कपाट अगले 6 महीनों तक यहां पर दर्शन करने के लिए श्रद्धालु पहुंच सकते हैं। और पहले दिन जब कपाट खुलने के साक्षी बने हैं हजारों लोग, 1 किलोमीटर से ज्यादा लंबी लाइन, जो अपनी लाइन अपने बस अपने नंबर का इंतजार कर रहे हैं लोग और तप्त कुंड में स्नान कर रहे हैं लोग। तो आस्था की अद्भुत तस्वीरें बद्रीनाथ धाम से आई हैं और पूरे विधि विधान के साथ मंत्रोच्चारण के बीच में, खूबसूरत दृश्य के बीच में, बर्फबारी के बीच में बद्रीनाथ धाम के कपाट खुल गए हैं। तो उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित बद्रीनाथ धाम के कपाट खुले। इससे पहले केदारनाथ धाम के कपाट खुले थे, वो रुद्रप्रयाग जिले में है और कपाट खुल गए हैं बद्रीनाथ धाम के भी। चार धाम यात्रा को लेकर उत्तराखंड सरकार की जबरदस्त तैयारियां थी, क्योंकि मुहूर्त पहले से ही तय होता है कि बद्रीनाथ धाम के कपाट कब खुलने हैं। आज का मुहूर्त का समय था 7:10। जैसे 7:10 हुआ वहां पर जयकारे गूंजने लगे। पारंपरिक वेशभूषा में हमने देखा गढ़वाल और कुमाऊं की जो महिलाएं वो भी पहुंचे हुए थे और जैसे कपाट खुले सब नृत्य करने लगे, सब झूमने लगे, क्योंकि वो घड़ी बिल्कुल निकट थी जब वो स्वयं दर्शन कर सकते। पत्र विशाल